हिमाचल प्रदेश सरकार के वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान ऐलान किया कि प्रदेश को प्रगति एवं विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे और बिना किसी भेदभाव के सभी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से ऐलान किया है कि प्रदेश को प्रगति एवं विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए और विशेष प्रयास किए जाएंगे और बिना किसी भेदभाव के सभी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने खेल विभाग में रिक्त चल रहे विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला खेल अधिकारियों के पदों को भी भरा जाएगा ताकि खेल विभाग की गतिविधियों के संचालन में दिक्कत पेश न आए। उन्होंने बताया कि एडवेंचर स्पोर्ट्स की प्रदेश में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यदि एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है तो इससे न केवल खिलाड़ियों को एक बेहतर व्यवस्था उपलब्ध होगी बल्कि इससे स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। प्रदेश के वन एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की माने तो मनाली स्थित संस्थान के निदेशक से एक विषय पर लंबी चर्चा हुई है और वे जल्द ही एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार करेंगे। इसी के हिसाब से आगामी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रिवर राफ्टिंग के साथ साथ पैराग्लाइडिंग जैसे खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के चुनिंदा स्थानों पर ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ खिलाड़ियों को इन खेलों की बारीकियाँ सिखाई जाएंगी और खेलों में परफेक्ट बनाया जाएगा ताकि भी आगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा परफॉर्म कर सकें। हिमाचल का जो टास्क ग्रुप है वो टास्क में बहुत कुछ करता है, तो लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 लाख ट्रक ऑपरेटर आपके पास है और मुझे लगता है कि उन सबको अपनी गाड़ियां चलाना, उससे कमाई करना एक आसान काम है, कठिन काम है। उनके हितों का भी ध्यान रखना, बाकियों का भी, और उसके साथ एक जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत अभी हमने ये भी कहा कि भाई हिमाचल प्रदेश में अच्छे हम कुछ ट्रांसपोर्ट अगर वो स्थापित कर लें, और हिमाचल प्रदेश में ये है कि जो ट्रांसपोर्ट का जो फील्ड है इसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा जो काम है वो रोड सेफ्टी, ये हमारे लिए बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है हिमाचल प्रदेश में, उस पर भी हम काम करने वाले हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो हमारे ड्राइवर वगैरह इन सब का जो ट्रेनिंग करने का जो पार्ट है उसको हम बहुत अच्छे से उसको रेगुलेट करने वाले हैं कि ताकि दुर्घटनाएं इस प्रकार की चीज़ें ना, और अल्टीमेटली हमको अपने पूरी स्टेट में कल को लोग छोटी गाड़ी छोड़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, ताकि और जो हमारे जो डी कंजेशन करने के लिए भी आवश्यकता है, तो उसके लिए भी अब हम ये विचार हमने किया है कि हम अच्छी यानी कि स्टैंडर्ड की ट्रांसपोर्ट को हम पब्लिक को प्रोवाइड करें। उस दिशा में भी हमने काम किया है और उसमें भी हम लगभग कोई 500 नए ऐसे रूट का भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं और कुछ फ्रेंचाइजी से रिलेटेड भी हमने कहा कि स्थानीय आरएम लेवल पर हमारे लोग टेंडर करेंगे, तो स्थानीय छोटे रूट से वहाँ पर शिमला पेट्रोल पंप जैसे कोई मैक्सी कैब है, कोई 15 सीटर 20 सीटर गाड़ियाँ डाल सकते हैं, तो उनके वाले काम करते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है हमको खेल के क्षेत्र में है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है, लेकिन जो अभी एक जो कमी यहाँ पर हमको जो लगती है कि बहुत वर्षों से शायद खेल विभाग में बहुत सी ऐसे पद हैं जो वैकेंट हैं, और इसलिए अभी हमने सारा सुपरवाइजरी सर्विस परीक्षण लोग को भेजा है कि तुम जितने हमारे कोचिज के पोस्ट हैं सबको इनको भरने वाले हैं, और हमारे DYSO की पोस्ट है हमारी वैकेंट है उन सबको हम भरने वाले, तो ऐसी भी कोई वैकेंसी ना रहे जिसके कारण से कि बच्चों के लिए भी कोई और इसलिए अब बाकी जहाँ तक कहेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह है कि लोगों को लाना भी और हमारे लोग जा भी रहे हैं, तो लेकिन अब इसको हमको और अच्छे से भी अपनी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी और उसमें और अधिक कुछ हमको साधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। वैसे तो अभी हिमाचल प्रदेश में हमारे मन में विचार ये आ रहा था कि हम यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करें, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक सबसे बड़ा कठिन विषय जाता है कि यहाँ पर एक पहाड़ी इलाका में हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीने का प्रबंध करना ये अपने आप बहुत बड़ी चुनौती है।
हमने पता किया था कि भाई जो अगर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपको बनना है तो कम से कम 500 एकड़ भूमि आपको चाहिए, 2500 बीघा। तो अभी हम वो सारा चीज़ों पर देख रहे हैं कि आप यहाँ के टोपोग्राफी के मुताबिक यहाँ पर क्या चीज़ों कर सकते हैं उसको हम करेंगे। बाकी जो अभी रेगुलर स्पोर्ट्स हैं उसमें से यह है कि अभी जैसे कबड्डी है, एथलेटिक्स में है और रेसलिंग है, अब कुछ एक खेलें ऐसी है इस तरह की 2-3 के और जो हिमाचल प्रदेश में हम बच्चे अपने अच्छे मेडल लाने वाले तैयार करते हैं उनको हम आपको कंसंट्रेट करने वाले हैं। फिर इसके साथ एक अगला जो विषय है कि भाई हिमाचल प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स का पोटेंशियल बहुत अधिक है और एडवेंचर स्पोर्ट्स के फील्ड में जहाँ तो खिलाड़ियों को दुनिया में जाने का मौका मिलता बहुत रही, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स के कारण से एम्प्लॉयमेंट के बहुत ज़्यादा रास्ते खुलते हैं। और इसलिए अभी हमारा जो अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड एलाइड स्पोर्ट्स है तो वहाँ के डायरेक्टर अभी हमारे लगे हैं कर्नल निर्मल राणा, अभी इस पर ही कम्प्लीट एक अच्छा मास्टर प्लान बना के ताकि एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी हम इसके जगह जगह पर हमारे इसके ट्रेनिंग सेंटर बने। अभी हमने वही जो